वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2। बच्चों, अपने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 वी ऑल नीड वाटर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 8 हाउसेस वी लिव इन। दिस इज आवर ईवीएस बुक एंजॉयिंग एनवायरमेंटल स्टडीज एंड दिस इज आवर चैप्टर नंबर 8 वी हाउसेस वी लिव इन। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी बुक की रीडिंग। वी नीड अ हाउस टू लिव इन, हमें घर रहने के लिए चाहिए होता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड एंड रेन एंड बैड वेदर, ये हमें हीट कोल्ड रेन एंड बैड वेदर से भी बचाता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स, घर हमें वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर से और थीव्स से भी बचाता है, चोरों से भी बचाता है। वी फील सेफ एंड कम्फर्टेबल इन साइड अ हाउस, हम अपने घर के अंदर सेफ और सुरक्षित महसूस करते हैं। नाउ लेट अस रीड अबाउट सम मोर पार्ट्स टाइप्स ऑफ हाउसेस। तो आइए बच्चों जानते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस के बारे में। ओपन पेज नंबर 28, लेट स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक टेम्पररी हाउसेस। सम हाउसेस कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बच्चों कुछ ऐसे घर भी होते हैं जिनको हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर शिफ्ट कर सकते हैं। सच हाउसेस आर कॉल्ड टेम्पररी हाउसेस, ऐसे घर क्या कहलाते हैं बच्चों, ऐसे घर कहलाते हैं टेम्पररी हाउसेस। इन घरों को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इन हाउसेस को, टेम्पररी हाउसेस। हाउस बोट्स, हाउस बोट इज अ फ्लोटिंग हाउस, बच्चों एक हाउस बोट क्या होता है, फ्लोटिंग हाउस। टूरिस्ट विजिट कश्मीर मींस जम्मू एंड कश्मीर एंड केरला टू एंजॉय देयर स्टे इन हाउस बोट्स। टूरिस्ट विजिटर्स आते हैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर घूमने के लिए और केरला घूमने के लिए इन हाउस बोट्स में रहने के लिए। व्हील कैरावैंस, तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ हाउस है व्हील्स कैरावैंस। सम पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, कुछ पीपल कुछ लोग इधर उधर घूमते रहते हैं इन प्लेस इन ऑर्डर टू सर्च फॉर फूड एंड वाटर, पानी और फूड के बारे में ढूंढने के लिए। दे आर नोन एज नोमैड्स, इनको क्या कहते हैं बच्चों, जो लोग इधर से उधर खाना और पानी के लिए खोज में इधर उधर घूमते हैं इनको क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं नोमैड्स या फिर खाना बदोश। सच पीपल लिव इन हाउसेस ऑन व्हील्स कॉल्ड व्हील कैरावैंस, सच पीपल ऐसे लोग व्हील कैरावैंस में रहते हैं। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट पेज आर पेज नंबर 29, आर टॉपिक इज टेंट्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ हाउसेस टेंट्स। सम हाउसेस आर मेड ऑफ कैनवस और क्लोथ, कुछ घर कैनवस या क्लोथ से भी बने होते हैं। दे आर कॉल्ड टेंट्स, इनको क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें कहते हैं टेंट्स, TENTS टेंट्स। दे कैन बी फोल्डेड इजीली एंड कैरीड अलोंग, इनको इजीली कैरी किया जा सकता है और फोल्ड भी किया जा सकता है। दे आर वेरी इजी टू पुट अप, सच टेंट्स आर यूज बाय माउंटेनियर्स एंड कैंपर्स, ऐसे टेंट्स मोस्टली माउंटेनियर्स या जो पहाड़ पे रहते हैं या पहाड़ चढ़ते हैं या कैंपर्स जो कैंपिंग करने जाते हैं वो लोग यूज करते हैं। आइए बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल हाउसेस। सम हाउसेस आर मेड अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर दे आर लोकेटेड, कुछ घर ऐसे भी बने होते हैं जो जगह के हिसाब से जगह के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है इग्लूज, बच्चों इग्लूज जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं कैसे होते हैं, ये व्हाइट विथ मेड विथ स्नो। सो आइए पढ़ते हैं इग्लूज के बारे में। सम पीपल लिव इन हाउसेज मेड ऑफ स्नो
दीज हाउसेज आर कॉल्ड इग्लूज। कुछ जगह ऐसे भी होती हैं बच्चों जो बहुत ठंडी होती हैं, वहां पर इग्लूज हमें पाए जा सकते हैं। ये बने होते हैं स्नो से। इग्लूज आर मेड इन एरिया वेयर इट स्नोज अलॉट। जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ होती है वहां पर इग्लूज बनाए जाते हैं। स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउसेज आर मेड इन एरियाज दैट आर जनरली फ्लडेड ड्यू टू रेन। स्टिल्ट हाउस ऐसी जगह बनाए जाते हैं बच्चों जहां पे बाढ़ आने का, फ्लड आने का खतरा मोस्टली रहता है। अ स्टिल्ट हाउस स्टैंड्स ऑन अ सेट ऑफ वुडन पोस्ट्स। स्टिल्ट हाउस को हमेशा कुछ लकड़ी की डंडियों पर रखते हैं। इट इज क्वाइट हाई अबव द ग्राउंड। ये घर अब ग्राउंड लेवल से बहुत ऊपर होते हैं। हाउसेस विद स्लैंटिंग रूफ्स। इन प्लेस वेयर इट रेन और स्नोज अलॉट हाउसेस हैव स्लैंटिंग रूफ्स। जिन एरिया में बहुत ज्यादा बारिश और स्नो होती है वहां घरों में स्लैंटिंग रूफ होती हैं। हाउसेस हैव स्लैंटिंग रूफ्स टू अलाउ द रेन एंड स्नो टू फॉल डाउन इजीली। अगर हमारे घर के ऊपर स्नो गिर जाए या फिर रेन आए तो स्लैंटिंग रूफ्स क्या हेल्प करती हैं बच्चों, उस पानी या उस बर्फ को नीचे गिराने में हेल्प करती हैं। वी शुड लुक आफ्टर आवर हाउस एंड कीप इट क्लीन। हमें हमेशा अपने घर की देखभाल करनी चाहिए और उसको साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, हाउसेज वी लिव इन। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। ये था आज का हमारा चैप्टर नंबर 8, हाउसेज वी लिव इन।